मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आम बजट पर भारत सरकार के कदम का स्वागत किया है। उन्होंने कहा, बजट में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण स्तंभों पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट आत्मनिर्भर भारत के लिए कारगर साबित होगा। वहीं कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, इस बजट से पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत और किसान की आय दोगुना करने का सपना पूरा होगा। अब गाँव भी शहर जैसे होंगे। गाँव में किसानों मजदूरों को शहरों जैसी सुविधा मिलेगी। किसान भी आत्मनिर्भर होंगे। आज के बजट में भारत सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए जो महत्वपूर्ण स्तंभ है उन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुंचे, जल जीवन मिशन, इसके साथ शिक्षा और कृषि, इन चार स्तंभों पर विशेष ध्यान इस बजट में दिया गया। तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे। मैं भारत सरकार द्वारा आज प्रस्तुत बजट का बहुत तो स्वागत करता हूं। भारत सरकार का जो बजट बहन वित्त मंत्री सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है, ये 34,50,000 करोड़ का बजट है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, किसान की आय दोगुना करने का, ग्रामीण अधोसंरचना का विकास का, गांव को आजादी दिलाने का, वो पूरा होगा। और इससे गांव और शहर का भेद खत्म होगा। अब हमारे गांव भी शहर जैसे होंगे। गांव में जो सुविधाएं अभी तक नहीं थी वो सारी सुविधाएं गांव में किसानों को, मजदूरों को मिलेगी। और 40%, 50%, 33% और 25% सब्सिडी पहली बार आजाद भारत में किसानों को मिलेगी, जिससे बेरोजगारी दूर होगी, किसान के बेटे उद्योगपति बनेंगे और देश आत्मनिर्भर होगा। आज के बजट में भारत सरकार के द्वारा